हर साल की तरह इस बार भी डेंगू दिल्ली को डरा रहा है। दो साल से कोरोना की मार झेल रही दिल्ली को इस बार वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया के साथ साथ डेंगू भी डरा रहा है। अक्टूबर में हुई मूसलाधार बारिश ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। इस साल अब तक 1200 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली नगर निगम ने अभी तक 5 अक्टूबर तक के ही मामले जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सितंबर महीने में डेंगू के 693 केस सामने आए थे, जबकि अक्टूबर के शुरुआती 5 दिनों में ही डेंगू के 321 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं इस साल अब तक मलेरिया के 153 और चिकनगुनिया के 89 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अक्टूबर महीने में ही अब तक मलेरिया के 28 और चिकनगुनिया के 5 केस दर्ज किए जा चुके हैं। डेंगू के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में 10-15% बेड्स डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएं। इस बाबत केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होम को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि डेंगू बुखार या किसी अन्य वेक्टर जनित बीमारी से पीड़ित किसी भी मरीज को अस्पताल में बिस्तर की कमी के कारण एडमिशन से मना नहीं किया जाए। इसके लिए अस्पताल अपने यहाँ कुल बेड्स के 10-12% बेड्स को इन मरीजों के लिए आरक्षित रखे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते डेंगू के खतरे को ध्यान में रखते हुए 24 सितंबर को अधिकारियों के साथ अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने डेंगू की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। खासकर स्कूली बच्चों को डेंगू की रोकथाम में बड़े स्तर पर शामिल करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।